हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी साइंस एक्सपेरिमेंट। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसिड, बेस और न्यूट्रल के बारे में। ना जाने आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे यूज करते होंगे जिसमें आप एसिड भी लेते होंगे, बेस भी लेते होंगे और साथ में न्यूट्रल भी लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो हमारा वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। जो 7 से कम होता है वो सब एसिडिक आता है, जो 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो सब बेस होता है। तो आइए इसी को हम चेकअप करने वाले हैं और उसका कलर बताने वाले। आज तक आपने चेक किया होगा लिटमस पेपर पर या चाइना रोज पर, इस सब से चेक किया होगा कि कौन सा कलर होता है जब एसिड रहता है या बेस रहता है और या न्यूट्रल रहता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो मीथेन ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। हमारे पीछे है, देखिए ये हमारे पास है, जो कि इसका कलर अभी रेडिश रेड कर का है। अब मैं बारी बारी से सभी में, सबसे पहले मैं वाटर का चेक कर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बेस चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद एसिड चेक करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए क्यों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने कुछ ml वाटर लिया है। अब इसमें हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर को ऐड करने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें कलर में चेंजिंग होता है। होता भी है कलर में चेंजिंग, तो कैसा चेंजिंग होता है आप बताइएगा। देखिए ये हमारे पास वाटर है और ये हमारा इंडिकेटर है और इसमें मैं डालने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे प्रोसेस जो है इसका स्टार्ट हो चुका और मैं डालता हूँ। देखिए अभी आपको कलर में डिफरेंसेस नजर आ रहा होगा, इसका कलर आप देख सकते हैं और इसका कलर आप देख सकते हैं। मैं इसे मिक्स कर देता हूँ कि अच्छी सी दिखाई दे आपको। जो है ये रेड है, रेडिश रेड है, लेकिन इसका कलर जो है रेडिश ऑरेंज है। इससे हमें पता चलता है कि ये न्यूट्रल है। अब हम इसी को हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम बेस में भी डालने वाले हैं और इसी को हम एसिड में भी डालने वाले हैं। बेस का एग्जांपल हम मैंने लूँगा वाशिंग पाउडर से। हमने बेस के रूप में लिया है वाशिंग पाउडर को, जो कि बेस ही होता है। अब इसमें हम जो मीथेन ऑरेंज को डालेंगे तो देखते हैं इसका कलर क्या चेंजिंग होता है। आप अगर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे मिक्स करने के बाद देखिए इसका जो कलर है, अभी आप देख सकते हैं इसका कलर येलो निकला, यानी इसका कलर और इसका कलर में बहुत ही अंतर है। अब आइए हम लोग एसिड का चेकअप करने के लिए हमने लिया है एप्पल का, जिसमें होता है मैलिक एसिड होता है, आप सभी जानते हैं। इसके मैंने हल्का सा कट कर लिया है जिससे इसमें मैं डाल सकूं और आपको दिखा सकूं। तो ये देखिए मैं इसमें डालता हूँ और इसका कलर देखिएगा क्या होगा। तो गाइस जैसे ही मैंने इसमें डाला तो इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है रेड हो गया है देखिए, और इसका कलर रेडिश रेड था और इसका कलर रेड है, यानी ये हमारा जो है ये हमारा एसिड है। अब इन सब में देखा और आप एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि हमारा जो न्यूट्रल में कलर कैसा था और हमारा बेस में कलर कैसा था और हमारा एसिड में कलर कैसा है। तो ठीक है, इसी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।